मायसेल्फ डॉक्टर रेखा कालाने, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, JDP गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा, BSc पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, यूनिट थर्ड, एल्डिहाइड और कीटोन्स का पार्ट सिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि किस तरह से एडिशन टू अमोनिया डेरिवेटिव पे होती है और ये प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी क्रम के अंदर अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया को जो है, जो कि एडिशन ऑफ अमोनिया की है, इसमें वीक एसिडिक मीडियम लिया जाता है, क्योंकि वीक एसिड जो है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड करके अभिक्रिया को कैटेलाइज्ड कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमने कार्बोनिल ग्रुप एसिड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करते हैं और कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कैटायन जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन करके फाइनली जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो ये इसके अंदर जो है वो प्रोटोनेट नहीं हो पाता है, तो क्रियाशीलता जो है वो बहुत कम हो जाती है रिएक्शन की और ये अमोनिया डेरिवेटिव्स बहुत कम मात्रा में बन पाते हैं। इसी तरह से कंडेंसेशन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ में कंडेंसेशन करवाने पर कार्बोनिल यौगिक्स जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। फर्स्ट हम देखें कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं अगर हम अमोनिया की, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ में जुड़कर यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन देता है। ये अगर हम देखें कि ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, इसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल, इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये CH2O6N4 यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाते हैं प्लस H2O। इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें कि क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये बनते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, एक एक मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन करेंगे और ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। फिर दूसरा CH2NH का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा और ट्राइमराइजेशन इसके अंदर होगा। ये ट्राइमराइजेशन होने पर इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्मल्डिहाइड की फिर एडिशन करेंगे और ये एडिशन करने पर फाइनली जो है वो यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन हमें जो है वो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड के साथ में अमोनिया कंडेंसेशन रिएक्शन करके और यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं रिएक्टेंट के, उतना ही हमारा जो है प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का समावेश होता है। बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल जो है वो H2O है, CO2 है, SO2 है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। बाकी एज इट इज जितने मॉलिक्यूल हमने लिए हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें इसके प्रोडक्ट में मिलते हैं। तो यूरोट्रोपिन बनाने के लिए हमने 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो फॉर्मल्डिहाइड के लिए और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के लिए, तो यूरोट्रोपिन जो है वो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इसके अंदर बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें एसिडल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन, जब एसिडल्डिहाइड को अमोनिया के साथ ईथर वाले विलयन में डाला जाता है तो एक अस्थायी यौगिक जैसे एसिडल्डिहाइड अमोनिया बनता है। ये अगर हम देखें कि ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिडल्डिहाइड, इसको जब हम अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड अमोनिया बनता है ईथर के प्रेजेंस के अंदर। ये एल्डिहाइड अमोनिया जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके एसिटेल एसिटेल एसिटेल्डिमीन बनाते हैं
CH3CH NH, ये ट्राइमराइज होके तीन मॉलिक्यूल जब हम इसके लेंगे तो ये ट्राइमराइजेशन होता है, और इस ट्राइमराइजेशन से जो है वो 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राइजीन का फॉर्मेशन इससे होता है। तो इस तरह से जो है वो एसिडाल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करने पर हमें टू फोर सिक्स ट्राइमेथिल हेक्सा हाइड्रो 1,3,5 ट्राइएजिन का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। इसी तरह से अगर अब हम अमोनिया की रिएक्शन एसीटोन के साथ में करवाते हैं तो इससे डाई एसीटोएमीन और ट्राई एसीटोएमीन प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल लिया, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, ये दोनों कंबाइंड होकर डाई एसीटोएमीन बनाते हैं। इसी तरह से तीन मॉलिक्यूल एसीटोन और एक मॉलिक्यूल अमोनिया ट्राई एसीटोएमीन का इनसे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ट्राई एसीटोएमीन से बनते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे विटिंग रिएक्शन। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया द्वारा CO डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड C बॉन्ड में परिवर्तित किया जाता है विटिंग रिएक्शन से। कार्बोनिल ग्रुप को जो है वो एल्किन के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में एक एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कम ताप -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉस्फोरस इल से करवाने पर, फॉस्फोरस की इल के साथ में करवाने पर एल्कीन जो है वो इनसे प्राप्त होते हैं। तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब हम एल्किडीन ट्राइफेनल फॉस्फोरस के साथ में करवाते हैं तो ट्राइफेनल फॉस्फीन इससे बनता है। क्या मैकेनिज्म है? अगर मैकेनिज्म के बारे में हम देखें तो विटिंग अभिक्रिया में मेन स्टेप में कार्बोनिल कार्बन पर फॉस्फोरस नाभिक स्नेही आक्रमण कर विटिंग ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, जो तत्काल ही बहुत फास्ट रूप से जो है वो एलिमिनेट होके प्रोडक्ट एल्कीन के अंदर चेंज कर देती है। तो ये किस तरह से बिटिन का फॉर्मेशन होता है ये हम इसमें देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो C6H5 होल ट्वाइस CO प्लस PH3P डबल बॉन्ड CH2 गिव्स 1,2,1,1 डाइफेनिल थिलीन और 1-फेनिल प्रोपीन से बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, उसमें है एल्डोल कंडेंसेशन। ये अभिक्रिया उन एल्डिहाइड और कीटोनों द्वारा की जाती है जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है जिनमें फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन पे हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन है उस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स वही एल्डिहाइड और कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं जिनमें कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अतः कार्बोनिल यौगिकों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो वो जो एल्डिहाइड कंडेंसेशन देते हैं, दूसरे जो नहीं देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो कंडेंसेशन देते हैं CH3CO CH3, तो ये अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो
कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड और कीटोन जो एल्डोन कंडेंसेशन नहीं देते, जैसे फॉर्मिक एसिड है, CH3 होल थ्राइस CCHO है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, ये जो हैं वो एल्डोन कंडेंसेशन को नहीं देते। इस कंडेंसेशन अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल बेस की उपस्थिति में क्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं। तो इसके इसमें अगर हम देखें कि किस तरह से वो एल्डिहाइड कीटोन जिनमें कि एल्डोल संघनन नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड है, CH3 होल थ्राइस CHO है, ये सब जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। इस कंडेंसेशन अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन के दो अणु बेस की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं। दो मोलिकुलर अगर हम ऐसे एल्डिहाइड कर लेते हैं तो इससे एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, 3-hydroxybutanate। इसी तरह से अगर हम CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड लेते हैं, दो मॉलिक्यूल, दो इनसे 3-hydroxy-2-methyl-pentanyl बनता है। बहुत सारे बेस हैं जैसे डाइल्यूट NaOH, Na2CO3, K2CO3, BaOH होल ट्वाइस, इन बेस को हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिस जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है डाइल्यूट, Na2CO3 है, K2CO3 है, BaOH होल ट्वाइस है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें, इस कंडेंसेशन अभिक्रिया में एक इनोलेट आयन का निर्माण होता है जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है एवं एक न्यूक्लियोफिलिक के समान कार्य करता है तथा दूसरे अणु पर आक्रमण कर सकता है। तो क्या मैकेनिज्म है? जैसे हमने लिया है एसिड एल्डिहाइड प्लस OH माइनस फर्स्ट स्टेप में CH2 माइनस CHO एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये एनायन जो है वो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होके और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है। प्रोडक्ट के बनने के बाद इसके अंदर हाइड्रोलिसिस होने पे ये एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है, O माइनस जो है वो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम इसको बना सकते हैं एनायन का फॉर्मेशन करके एल्डोल को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी प्रकार एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनिल ग्रुप दो कार्य करता है, दो काम करता है। फर्स्ट है इनोलेट आयन जो कार्बन आयन है बनाने हेतु अल्फा हाइड्रोजन को पर्याप्त अम्लीय बनाता है, अर्थात नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही के निर्माण में ये सहायता करते हैं। दूसरा है कि कार्बोनिल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हेतु स्थान उपलब्ध करवाते हैं सेकेंड स्टेप में। नेक्स्ट रिएक्शन है डीहाइड्रेशन, एल्डोल का प्रोडक्ट डाइल्यूट HCl NaHSO4 या केवल गर्म करते पर या क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज होकर अधिक स्थायी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। जैसे हमने लिया CH3CHOH CHO 3-hydroxybutanyl, इसको डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस के अंदर गर्म करते हैं तो क्रोटोनल्डिहाइड का इससे फॉर्मेशन होता है। तो ये क्रोटोनल्डिहाइड बना है 2-hydroxybutanyl से। इसी तरह से हमने लिया कीटोन तो इससे भी मेसिटिल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये अनसेचुरेटेड कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। मेसिटिल ऑक्साइड पर
एसीटोन का एक और अणु जुड़ने से फोरोन बनता है, ये मैसिटल ऑक्साइड है। मैसिटल ऑक्साइड पर एक मॉलिक्यूल जो है वो हम एसीटोन का और जोड़ देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सीएल, तो ये फोरोन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये फोरोन इनसे बन जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रयोग एल्डोल प्रोडक्ट के पूर्ण या सेलेक्टिव रिडक्शन से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स को प्राप्त करने हेतु तो किया जाता है। इनसे जो है वो हम कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन इससे हो जाता है, जैसे एसिड एल्डिहाइड है। इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, तो ये जो है वो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटी नेल बना लेता है, जो कि पूरी तरह से रेने निकल के प्रेजेंस के अंदर रिड्यूस होके 1-ब्यूटेनॉल सेचुरेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से 2-ब्यूटेनिल NaBH4 के साथ में सेलेक्टिव होता है और क्रोटन एल्डिहाइड अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो इस तरह से क्रोटन एल्डिहाइड इससे बनता है। तो ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों तरह के एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये अभिक्रिया दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के मध्य करवाई जाती है जो 4 संभावित प्रोडक्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो तनु NaOH की उपस्थिति में एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन का कंडेंसेशन करवाने पर हमें एल्डोल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो ये एल्डोल प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं ये हम देखें, तो इसके अंदर जो है वो इनोलेट आयंस का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। कार्बोनिल यौगिकों का एक अभिकर्मक अल्फा हाइड्रोजन युक्त न हो, इस अभिकर्मक को उत्प्रेरक के साथ में मिलाया जाए। और तीसरा जो है वो तीसरा पॉइंट है, दूसरा कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो उसे धीरे धीरे इस मिश्रण में मिलाया जाए, तो हमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट सिनेमल्डिहाइड है या बेंजल एसीटोन है, इनका फॉर्मेशन इनसे हम कर सकते हैं। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि सिंथेटिक एप्लीकेशंस की हैं, जिनके अंदर के हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब OH के साथ में करवाते हैं, नहीं इन प्रेजेंस ऑफ बेस करवाते हैं एसिडल्डिहाइड के साथ में, तो इससे एसिटामेल्डिहाइड बनता है, और कीटोन के साथ में करवाते हैं तो बेंजल एसीटोन C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 बनता है। तो ये कुछ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, किन के अंदर किस तरह से जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन होता है। इसमें आगे भी है कि किस तरह से इंट्रा और इंटर एल्डोल कंडेंसेशन भी उसके अंदर कंप्लीट होते हैं। तो इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन जब एक ही अणु में 2 कार्बोनिल समूह सुनियोजित ढंग से उपस्थित हों तो वो इंट्रा मॉलिकुलर कंडेंसेशन होता है एवं साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन्स इससे मिलते हैं। तो साइक्लिक इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप सुनियोजित अच्छी तरह से जो है अरेंज होके इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन बनाते हैं और साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन्स का इनसे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो इनसे बनेंगे। तो ये बन गया हमारा 2-मेथाइल-3-साइक्लोपेंटीनॉन। क्या मैकेनिज्म है इसकी, मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये इस मैकेनिज्म से
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और इनसे गर्म करने पर जो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता है क्योंकि इसमें जेट्स का गर्म करने पर ये सेम प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं बन पाता है। तो ये इस सेम प्रोडक्ट का नहीं बनना जो है सर्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये क्योंकि ये अधिक स्थाई कॉन्जुगेटेड एल्किन प्राप्त होती है इससे, तो ये इससे नहीं बन पाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होके भी हम कई सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये आज के चैप्टर के लिए इतना। नेक्स्ट इसके अंदर हम कुछ और नेम रिएक्शंस देखेंगे, कैनिजोरो रिएक्शंस हैं, क्रॉस कैनिजोरो रिएक्शंस और अन्य रिएक्शंस हैं इनमें।